पंजाब में एयरबेस पर हमले के बाद अब पाकिस्तान की नजरें राजस्थान में पश्चिमी सरहद का फॉरवर्ड सूरतगढ़ एयरबेस पर हैं और इधर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर यहां पठानकोट जैसा हमला होने की आशंका जाहिर की है। अलर्ट के चलते इससे लगी सीमा पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और यही नहीं 60 किलोमीटर फेंसिंग में करंट भी छोड़ा जा रहा है और शाहगढ़ बल्ज इलाके में भी तारबंदी में अब करंट छोड़ने की तैयारी है। यही नहीं किसी भी सस्पेक्ट को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। पाक की फिर नापाक कोशिश, सूरतगढ़ एयरबेस पर हमले की प्लानिंग, पठानकोट को रिपीट करना चाहता है पाक। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है क्योंकि आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान एक बार फिर भारत में एयरबेस पर हमले की कोशिश कर रहा है। पंजाब में एयरबेस पर हमले के बाद अब पाकिस्तान की नजरें राजस्थान में पश्चिमी सरहद का फॉरवर्ड सूरतगढ़ एयरबेस पर है। इधर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर यहां पठानकोट जैसा हमला होने की आशंका जताई है। अलर्ट के चलते इससे लगी सीमा पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। यही नहीं 60 किलोमीटर फेसिंग में करंट भी छोड़ा जा रहा है और शाहगढ़ बल्ज इलाके में भी तारबंदी में अब करंट छोड़ने की तैयारी है। यही नहीं किसी भी सस्पेक्ट को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। गंगानगर जिले में पाकिस्तान से सटी सीमा के नजदीक स्थित ये एयरबेस दूसरी बार आतंकियों के निशाने पर है। इससे पहले 30 अगस्त 2015 को जैश और लश्कर आतंकियों ने इस पर हमले की कोशिश की थी लेकिन बीएसएफ की चौकसी के कारण घुसपैठ नाकाम हो गए थे। थर्मल पावर स्टेशन पर भी हमले की आशंका, यहां 1500 मेगावाट क्षमता की 6 बिजली उत्पादन यूनिट लगी है। यहां से राजस्थान को रोजाना सर्वाधिक बिजली मिल रही है। इस स्टेशन को ठप कर आतंकी बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकते हैं। इस पर हमला हुआ तो राजस्थान के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है। साफ है कि आतंकी बुरहान वानी की मौत पर मातम में डूबा पाक अब भारत से बदला लेने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। ऐसे में भारत को पाक की नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। जनवरी में हुआ था पठानकोट एयरबेस पर हमला। 2 जनवरी की सुबह 6 आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। कई दिन चले एनकाउंटर में 7 जवान शहीद हो गए थे और हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर को बताया गया। अजहर को 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक केस में पैसेंजर्स की रिहाई के बदले छोड़ा गया था।